नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स कीड़ा। ओके, सो अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, जो लोग ऑलरेडी सीरीज अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा। एंड लेट मी टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड विद द पेपर ऑफ मैकेनिक्स एंड इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 4 फॉर दैट। और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं विद आवर यूनिट 1, दैट इज़ काइनेमैटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स। ओके, ये वाली चीज़ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हमारा 4th लेक्चर है। लास्ट हम लोगों ने वेंट्री फ्लो मीटर और फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में बात करी थी कि ये सारी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा था आप लोगों को दैट वी विल स्टार्ट विथ कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में फ्लो क्या है लिक्विड का, हम उसकी बात करेंगे। सो लेट्स पुट डाउन द हेडिंग फर्स्ट, दैट इज फ्लो ऑफ लिक्विड इन सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, ये हम लोग अब यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। अब चलो, फिजिक्स इज डेफिनेटली वेरी इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स और हम लोगों ने क्या कहा है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाएंगे। अब लेट्स स्टार्ट विथ ड्राइंग दैट सबसे पहले तो। ओके, एंड इसकी भी मैं एक बार आप लोगों को लैंग्वेज बताऊंगी, लिखवाऊंगी, तब ये थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, तो ये डायग्राम्स, तब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बेटर। ओके, आई थिंक वी कैन गो विद दिस। ये हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है, हमारे पास में एक ट्यूब है और इसके अंदर इस तरह से हमारे पास में फ्लो हो रहा है लिक्विड का एंड लेट्स से दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज़ दिस, जो हमारा स्टैंडर्ड हम लोग लेते चले हैं हमेशा से। सो हमने यहाँ पे ले रखा है कि इसका जो लेंथ है, लेट दिस बी एल हियर फॉर मी एंड आगे हम लोग लेके जाते हैं दैट इसकी, ये हमने ले ली है रेडियस। अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे सिलेंडर को कंसीडर नहीं करेंगे एक बार में ही। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक लेयर को कंसीडर करेंगे। सो मुझे यहाँ पे इसकी एक लेयर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके वेट, दिस इज़ नॉट वर्किंग, यू नो, जस्ट ड्रॉ लेयर। एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेयर तो उसे थोड़ा ढंग से ही भी शो करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, दिस विल गो वर्क, दिस विल वर्क बेटर। पता, थोड़ी सी कोशिश ये भी रखा करो कि डायग्राम तुम लोगों से थोड़ा सा नीट भी बन सके। ओके, ऑन पेपर एटलीस्ट इट्स मोर कन्वीनियंट टू ड्रॉ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना वहाँ से भी क्लियर हो जाती है, एफर्ट कम लगता है। सो मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, इसकी मैं यहाँ पे कह देती हूँ आर्म ले लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर ही चुके, फिर जैसे जैसे मैं बताती जाऊँगी ना, मैं लिखवाती जाऊँगी। ठीक है, अभी के लिए इतना मैंने कहा है, एक सिलेंडर ले रखा है जिसकी लेंथ एल है, फ्लो हमने कंसीडर कर रखा है, उसमें मुझे एक लेयर लेनी पड़ेगी। अब देखो, हम लोग यहाँ से निकाल क्या सकते हैं, आप कह रहे हो ना क्या फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल पाओगे। सो हम लिखना शुरू करते हैं कि इस लॉ से मुझे पता क्या चलेगा। सो विथ द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन फाइंड, क्या निकालना है, फ्लो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, वो मेरे पास में मुझे इससे पता चलेगा। सो वी कैन फाइंड
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे निकाल पाऊँगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो ये जो तुमने यहाँ पे ये वाली लेयर कंसीडर कर रखी है ना, ये वाली, इस लेयर की लेंथ क्या होगी जो सिलेंडर की है, ऑब्वियसली वही, और इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो इसे लिख लो यहाँ पे, दैट कंसीडर अ सिलेंड्रिकल कंसीडर अ सिलेंड्रिकल लेयर ऑफ लेंथ, लेंथ क्या ले रखी है हमने एल, एंड आर इज इट्स रेडियस, ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है। अब हमारे पास में यहाँ पे जो सरफेस एरिया है इस सिलेंड्रिकल लेयर का, वो क्या हो जाएगा, उसको एक बार कैलकुलेट करो। देयरफोर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर इज, क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमें सरफेस एरिया निकालना है ना, तो मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल, ऑफ कोर्स वी नो दैट थिंग, सो 2 पाई, कैन आई राइट दिस एज माय एक्स एल, फॉर द कैलकुलेशंस के लिए हम इसको लेकर चलते हैं, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ये हम ले सकते हैं। तो अब मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से हम विस्कस फोर्स यहाँ पे कह सकते हैं कि कितना लगेगा एक पर्टिकुलर लेयर के ऊपर, विच इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स, यानी कि अगर आपके पास में सपोज़ करो कि कोई भी एक लेयर है, ठीक है, लेयर एट डिस्टेंस हमने यहाँ पे कह रखा है x, तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स आपका कितना एक्ट करेगा, वो चीज़ आप कैसे निकाल सकते हो यूजिंग न्यूटन्स लॉ, राइट। तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्योंकि हम एक लेयर की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए आई एम राइटिंग माय डी एफ इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डी वी बाय डी एक्स। मैंने यहाँ पे ये जो x लिखा ना, वो इसीलिए लिखा है ताकि बाद में मुझे कैलकुलेशन कन्वीनियंट रहे, ओके, सो आई जस्ट मेड दिस चेंज एज पर द सिचुएशन, ठीक है। अब देखो मेरे पास में यहाँ पे सरफेस एरिया सिलेंडर का है, तो मैं इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकेंड में रख दूँ, राइट। सो व्हाट विल आई डू हियर इज दैट using equation first in second, df is equals to minus eta, a क्या हो जाएगा 2 pi xl and dv by dx, ये वाली चीज़ आएगी, and this is my equation number 3। अब देखो हमारे पास में क्या होता है, एक pressure difference की वजह से force भी exert होगा, right। अब देखो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, प्रेशर इनटू एरिया इतना ही होने वाला है ना। सो आपके पास में रेडियस क्या चल रही है, एक्स, कंसीडर हमने एक्स कर रखी है ना यहाँ पे, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफोर फोर्स एग्जर्टेड बाय प्रेशर डिफरेंस इज, क्या आ जाएगा, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट लेयर सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पुट अ डी एफ, और वो हो जाएगा प्रेशर टाइम्स एरिया, राइट। ये चीज़ आ चुकी है, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूँ, तो सो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या आ जाएगा, p pi x square is equals to minus eta 2 pi xl dv by dx, right? ये वाली चीज़ है, so pi से pi मेरे पास में यहाँ पे cancel हो जाएगा, एक x से एक x यहाँ पे cancel हो जाएगा, और इधर से if I want to find out my dv, तो value क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, minus p x by 2 eta l एंड डी एक्स, राइट, एक बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला काम किया है मैंने यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ से v निकालना है, ओके, सो मुझे v यहाँ पे किस तरह से मिल सकता है, डोंट वरी, आई नो इट्स गोइंग वेरी कैलकुलेटिव, बट एक बार इसको करो, फिर मैं तुम्हें फ्लो समझाऊँगी इसका रिवर्स अप्रोच से, तो चीज़ ज़्यादा बेटर क्लियर होगी, ओके। सो नाउ
हमारे पास में क्या है, आई हैव गॉट माई डी वी, आई कैन इंटीग्रेट इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट माई वी. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू हेयर इज दैट इंटीग्रेटिंग डी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स बाय टू ईटा एल एंड देन माई डी एक्स, और वहाँ से मुझे मिल जाएगा वी इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स स्क्वेयर बाय फोर ईटा एल प्लस द कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर फिफ्थ. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर हमारे पास में ये जो x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस के अंदर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मेरी जो वेलोसिटी है, आई थिंक आई हैव डन समथिंग, मैंने ऊपर कुछ चेंजेस सॉरी यहाँ पे ये कर लेना, दिस इज़ एक्चुअली नॉट योर x, इट्स योर r, और ये हमने यहाँ पे x ले रखा है क्योंकि लेयर लेकर जा रहे हो फिर हम आगे कर रहे हैं ना, मैंने नीचे कैलकुलेशन में चेंजेस कर दिए थे. ओके, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिफ्लेक्ट इट इन टू द डायग्राम कि आर आपके पास में सिलेंडर की रेडियस है, एंड कंसिडर द सिलेंडर का लेयर ऑफ लेंथ एल, और उसकी रेडियस हम लोगों ने ले रखी है एक्स. ठीक है, क्योंकि आगे सारा काम एक्स में करवा दिया मैंने. ओके, हमने क्या बोला है, अगर एक्स आर के इक्वल हो जाता है तो उसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, वेलोसिटी ज़ीरो. देखो, अगर तुम्हारे पास में कोई भी एक लिक्विड की लेयर है वो अगर इसके बिल्कुल पास में फ़्लो कर रही है तो क्या होगा, वो बहुत ही क्लोज फ्लो कर रही है, तो एक तरह से वेलोसिटी उसकी ज़ीरो ही हो जाएगी, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू मेंशन हियर. तो तुम रीज़न भी यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज़ लिक्विड इज़ वेरी क्लोज टू वॉल ऑफ सिलेंडर. ठीक है, ये वाली चीज़ है. तो अगर मैं इसे ऊपर वाली इक्वेशन में रखूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट मेरा वी ज़ीरो है तो यहाँ से माइनस पी आर स्क्वायर बाय फोर ईटा एल प्लस सी, ये वाली चीज़ आ रही है, तो सी क्या आ जाएगा यहाँ से, पी आर स्क्वायर बाय फोर ईटा एल, राइट, एंड दिस इज़ माई इक्वेशन सिक्स. तो सिक्स को हम लोग फिफ्थ में रख दें. सो यूजिंग सिक्स एंड फिफ्थ, आपने बस एक बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे लगाई है, वी क्या आ जाएगा, यहाँ से पी बाय फोर ईटा एल कॉमन ले लो, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक बार में इसको फिक्स करो, इक्वेशन नंबर सेवन्थ आ चुकी है. ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास में यहाँ पर क्या आता है, दैट हमारे पास में अगर कोई भी एक लेयर की थिकनेस क्या है, डी एक्स है, मैंने कहा है थिकनेस तुम्हारी डी एक्स है, तब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कैलकुलेट दैट. सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर ऑफ थिकनेस डी एक्स इज क्या मिलेगा हमें, टू पाई एक्स डी एक्स, राइट. अब क्योंकि वेलोसिटी जो है इस लेयर की वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले रखी है, वी, है ना. सो सिंस द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज टेकन एज वी, राइट, तो हमारे पास में कितनी क्वांटिटी लिक्विड की फ्लो कर रही है वो अगर मुझे निकालना है पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, वेलोसिटी को उस पर्टिकुलर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तब हम लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी. सो देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, मैंने टाइम कह दिया ना पर सेकेंड, यानी कि वन सेकेंड, इसीलिए मैंने उसे मल्टीप्लाई नहीं किया वहाँ पे, थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन विल बी क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू वी, और यहाँ पे आ जाएगा टू पाई एक्स डी एक्स, इफ दिस इज नॉट द खिचड़ी, इट्स टू पाई एक्स डी एक्स. ठीक है, चलो, ये वाली चीज़ हमारे पास में यहाँ पे आ चुकी है, एंड लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर एट.
ओके अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे पास में वी की वैल्यू ऑलरेडी है, यहाँ से मैं उसे उठा के एर्थ में रख दूँ. सो यूजिंग सेवेंथ इन एट्थ हमें क्या मिल जाएगा, दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू पी बाय फोर ईटा एल एंड आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड देन टू पाई एक्स डी एक्स. यही वाली चीज़ है हमारे पास में यहाँ पे, है ना. अब देखो ये अगर है, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा मेरे पास में, दैट डी क्यू किसके इक्वल है. देखो टू टू ज़ा फोर, और कुछ कट रहा है नहीं, पाई यहाँ पे कर दो, टू ईटा एल इधर रखो और एक्स को अंदर भेज दो, तो आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू और डी एक्स हो जाएगा. अब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो बड़े आराम से, जीरो से आर तक मूव कर रहे हो ना, कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर टू द आउटर मोस्ट लेयर, मतलब यहाँ से जैसे कि ये रहा, तुम यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे लिए लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से आर की लिमिट हो जाएगी ना, क्योंकि आर रेडियस है तुम्हारे पास में. सो इंटीग्रेट करो इसे, क्या आएगा यहाँ पे, तो पी पाई बाय टू ईटा एल कांस्टेंट है तो बाहर, जीरो से लेकर आर तक जाओगे, आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू और ये रहा है डी एक्स. फटाफट इसको इंटीग्रेट करो, क्यू पी पाई बाय सॉरी टू ईटा एल यहाँ पे आ जाएगा आर. ओके यहाँ से तुम्हें आर स्क्वायर बाय टू मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय टू यानी कि आर टू द पावर फोर बाय टू माइनस आर टू द पावर फोर बाय फोर. अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू पी पाई बाय टू ईटा एल और यहाँ से आएगा आर टू द पावर फोर बाय फोर, विच इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल्स टू पी पाई आर टू द पावर फोर बाय एट ईटा एल. ओके सो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट प्लेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द एम. एम मेरे पास में क्या था, मैंने कहा था कि कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो कर रहा है पर सेकेंड. अब तुम इधर देखो, एक बार यहाँ से देखना शुरू करो, तुम्हें निकालना था कि कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकेंड और हमारे पास में उसका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी और सिलेंड्रिकल लेयर के लिए क्वांटिटी तुम कैसे निकालते हो, उसके लिए हम लोग वेलोसिटी यूज़ करते थे और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा है एरिया, तब हम लोगों को मिल जाएगा. और मैंने पर सेकंड के लिए ये वन सेकंड वाली कंडीशन जो थी उसे यहाँ पर यूज़ किया था पहले, रिमेंबर दैट. तो मुझे इसके लिए क्यों निकालना था, क्यों के लिए हम पहले चले और हमने चलने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए थी, आई नीडेड द वेलोसिटी. तो पहले मैंने क्या किया, इस वजह से वेलोसिटी को यहाँ पे फाइंड आउट करा, वेलोसिटी आ गई मेरे पास में और उसे निकालने के लिए आई नीडेड माय बाउंड्री कंडीशन, मैंने उसको अप्लाई किया क्योंकि मुझे कांस्टेंट वहाँ से हटाना था, ठीक है. और फिर उसके बाद में उसके लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास में प्री रिक्वेस्ट थे वो हमने यहाँ से लिए थे. क्लियर है ये वाली चीज़, आई नो थोड़ा सा ना खिचपिच हो रहा होगा, बट सेट वंस गो थ्रू दिस ऑल ओवर अगेन फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड, क्लियर हो जाएगा, ठीक है. एंड यहाँ तक का हो चुका है. अब देखो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इतना सब कुछ जब हम लोग समझ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू नो थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यू नो बिट मोर टू डाइजेस्ट. बट मैं एक चीज़ कह देती हूँ कि ये तुम्हारे पास में कौन सा लेक्चर है हमारा, आई थिंक इफ़ इट इज़ द फोर्थ लेक्चर देन येस दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर. हम लोगों को सिर्फ एक और लेक्चर चाहिए होगा और हमारे पास में ना ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी. येस जस्ट विथ वन मोर लेक्चर वी विल फिनिश आर यूनिट. सो थोड़ा सा पेशेंस रख लो उसके लिए, आई नो तुम्हारे अंदर है, तुम लोगों में बहुत ही अच्छा सा पेशेंस डेफिनेटली. अगर मेरी वीडियो देख रहे हो इतने टाइम के बाद में, पूरे एक साल के बाद में, तब तो तुम लोगों में पेशेंस बहुत अच्छा है, ठीक है. एंड चलो अब हम लोग आगे स्टार्ट करें इसको. लेट्स गो अहेड, पुट ऑन द हेडिंग दैट इज आर सरफेस टेंशन. रंग बदला जाए पेन का. सरफेस, आई होप दैट ये हैंडराइटिंग इशू तुम लोगों को नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ना क्लास के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा ये आता है ज़्यादा ही, कहीं से भी उठ उठा के कि हैंड राइटिंग का इशू आ रहा है फिर समझ में नहीं आ रहा है. सो आई एम बिट लकी हियर.
यूट्यूब के ऊपर। चलो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास में, सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। देखो हमारा जो हमारी डेफिनेशन का उद्घाटन होता है वो कहाँ से होता है, वी से दैट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। थोड़ा सा ना सोफेस्टिकेटेड करते हैं, सरफेस टेंशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब देखो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लेकिन कैसी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब इसकी वजह से होगा क्या, ड्यू टू दिस ऑफ कोर्स, तो हमारे पास में क्या होता है, लिक्विड की फ्री सरफेस वो बिहेव करती है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की जैसे। ठीक है, मैंने क्या कहा है, लिक्विड की फ्री सरफेस वो बिहेव करेगी लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, और इसकी वजह से ड्यू टू दिस फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ओके, और अगर वो इसकी जैसे बिहेव कर रही है तो उसकी कोशिश क्या होगी, इट टेंड्स टू अक्वायर अ मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, तो उसकी कोशिश ये होगी कि वो एक मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर करने की कोशिश करे, एंड दैट इज़ व्हाट आई कॉल एज सरफेस टेंशन। ओके, तो ये वाली चीज़ हमारे पास में होती है, आप इसे ऑलरेडी एक बार देख के आ चुके हैं। मेरा काम था कि वापस से आपको थोड़ा सा डस्टिंग करनी होती है ना, वो डस्टिंग करने का काम था मेरा। एंड सरफेस टेंशन के लिए आप एक्सप्रेशन क्या यूज़ करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्योंकि इसकी कोशिश क्या है कि इसको मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर करना है इस वजह से। नाउ ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है कि सरफेस टेंशन हमारे पास में ये होती है, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसी को लेकर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपने बोला है कि फ्री सरफेस लिक्विड की मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर करने की कोशिश करती है और इसके लिए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की जैसे बिहेव करेगी। सवाल आता है कैसे, हाउ। सो उस हाउ का आंसर अब हम लोग देंगे कि बिकॉज बिना किसी रीज़न के तो कोर्ट भी अब कुछ मानता नहीं है, द कोर्ट डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एन एविडेंस, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एन एविडेंस हियर। ठीक है, चलो हमारे पास में आता है मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ सरफेस टेंशन। थोड़ा सा नहीं, लैंग्वेज स्विचिंग के अंदर भी गड़बड़ होती है। आई फाउंड दिस थिंग दैट ईदर इफ यू जस्ट एक्सप्लेन द एंटायर थिंग इन इंग्लिश और यू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग इन हिंदी, वेन एवर यू ट्राई टू मिक्स द टू लैंग्वेजेस इट एंड्स अप इन सर्टेन काइंड ऑफ अ ब्लंडर। ओके, सो इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट द डायग्राम, थोड़ा सा माहौल हमारा लाइट रहेगा। चलो ड्रॉ बीकर, और मेरे जैसे नहीं, थोड़ा सा सीधी लाइनें बनाने की कोशिश मैं भी कर लेती हूँ। जस्ट ट्राई टू ड्रॉ सम स्ट्रेट लाइन, है ना, थोड़ा सा सुंदर, ताकि समझने में कन्वीनियंट हो गया यार। चलो ये वाली चीज़ हो चुकी है, ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, तुम्हारी सरफेस फिल्म इधर है। ओके, दिस इज़ योर सरफेस फिल्म, और यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है हमारा लिक्विड। ओके, अब देखो यहाँ पे है तुम्हारे पास में कोई एक मॉलिक्यूल ए, यहाँ पे है तुम्हारे पास में एक दूसरा मॉलिक्यूल बी, इधर है तुम्हारे पास में एक मॉलिक्यूल सी, और यहाँ हवा में तैर रहा है तुम्हारा एक मॉलिक्यूल डी। ठीक है, अब देखो अब हम ना इन्हें एक एक करके कंसीडर करने वाले हैं। ओके, चलो पुट ऑन योर फर्स्ट पॉइंट एंड यू स्टार्ट विद इट। हमने यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर क्या किया है, चार मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में, तो हम वो कहना भी शुरू करते हैं। सो एक अच्छी सी ओपनिंग लाइन, कंसीडर फोर मॉलिक्यूल्स, यू नो
कंसीडर फोर मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से हैं वो, ए बी सी डी। हमारे पास में जो तुम्हारा ए है तुम्हें कहाँ दिख रहा है भाई, ये पूरा का पूरा कहाँ है, लिक्विड के अंदर ही है। तो फिर क्या होगा, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही इधर लगेगा, जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लगेगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ, जितना यहाँ है उतना यहाँ, तो हर तरफ से इसको सेम फोर्स फेस कर रहा है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लिखो से अब यहाँ पे दैट, ये तुमने चार मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंसीडर कर रखे हैं, एंड मॉलिक्यूल ए इज कम्प्लीटली इनसाइड लिक्विड, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल फेस इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, और उसकी वजह से नेट फोर्स ऑन ए इज ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो एक ही बात हुई है। अब चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से तुमको इससे ड्रिल समझ में आ गया होगा कि अब मैं आगे क्या क्या बोलने वाली हूँ, है ना, इतने समझदार तो तुम लोग हो ही। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर तुम बी को देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे बी जो है वो दिख कहाँ रहा है, सरफेस के जस्ट नीचे है, राइट, इट इज़ जस्ट बिलो द सरफेस। तो डाउनवर्ड फोर्स इसके अंदर क्या होने वाला है, तुम देखोगे कि डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली क्योंकि डाउनवर्ड तुम्हारे पास में मैटर ज़्यादा है। सो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में भी मैं एक बार वापस से समझा देती हूँ। अब तुमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है मॉलिक्यूल बी, ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये तो मॉलिक्यूल ए की बात थी, ये मॉलिक्यूल बी की बात है, कंसीडर मॉलिक्यूल बी। तो ये हमारे पास में है कहाँ पे, जस्ट बिलो द सरफेस फिल्म, राइट, क्योंकि ये जस्ट बिलो द सरफेस फिल्म है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स, मैंने कितने टाइम बार डाउनवर्ड पूरा लिखा है स्पेलिंग में, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास में ज़्यादा हो जाएगा अपवर्ड, बैक टू लाइन, अपवर्ड फोर्स के कंपैरेटिवली, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास में नेट फोर्स ऑन बी ये कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी, क्योंकि हम इतना समझदार तो है ही कि हम इस चीज़ को अपने आप ही समझ सकते हैं, है ना। चलो आगे सी के ऊपर आ जाओ, अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आधा ऊपर है आधा बाहर है, आधा अंदर है और आधा बाहर है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मेरे पास में मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, राइट, इस तरह का कुछ हिसाब किताब है। तो ये मेरे पास में कहाँ होने वाला है, अनस्टेबल होने वाला है, और अनस्टेबल की वजह से हमारे पास में क्या होगा, सरफेस टेंशन शुरू होगी। अब ये क्या आ गया एकदम से हमारे सामने, लिखते हैं इसको हम थोड़ा सा। सो कंसीडर मॉलिक्यूल सी, ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हाफ आउटसाइड एंड हाफ इनसाइड, ये हम लोगों ने यहाँ पे कह रखा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी अनस्टेबल, राइट। और ये हमारे पास में है कहाँ पे, इट्स प्रेजेंट इनसाइड सरफेस फिल्म, राइट, ये अनस्टेबल होगा और ये है तो सरफेस फिल्म के अंदर ही, और इसीलिए ये हमारे पास में क्या करेगा, सरफेस टेंशन का फिनोमेना शुरू करेगा। सो फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन विल अराइज, ओके, ये वाली चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब तुम आ जाओ फोर्थ के ऊपर, जो है तुम्हारे पास में तुम्हारा ये डी वाला मॉलिक्यूल, कहाँ आ गया मेरा कर्सर, ये रहा, ये डी वाले मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाओ। तो क्या है हमारे पास में कि यहाँ पे ये कहाँ है, तुम्हारे इस लिक्विड के बाहर है, तो यानी कि ये फ्रीली मूव कर सकता है लाइक अ वेपर और गैस, वेरी ऑब्वियस, तो हम उसी ही चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं।
क्या हो जाएगा, कंसीडर मॉलिक्यूल डी, ये मैंने बोला है। तो ये हमारे पास में क्या है, आउटसाइड द लिक्विड सरफेस, सो फ्री टू मूव। क्या होता है, कॉलेज के कैंपस से बाहर निकलते हैं एंड वी आर फ्री टू मूव, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है करो। तो वही वाली चीज़ हो चुकी है, ये कॉलेज के कैंपस के बाहर निकल चुका है एंड इट्स फ्री टू मूव, बंक करके भी, यू नो एवरीबडी डज दैट, बट इट्स नॉट दैट गुड। सो इट्स फ्री टू मूव लाइक अ वेपर और गैस, राइट। चलो ये वाली चीज़ हमारे पास में क्लियर हो चुकी है, मैं एक लास्ट चीज़ यहाँ पे करवा देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ के लिए एक लास्ट लिख लो, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। ओके ना, अगर मैं एप्लीकेशंस की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो सबसे पहली हमारे पास में क्या आती है कि तुमने देखा होगा जो रेन ड्रॉप्स होती है, तुम्हें ऑलरेडी पता भी है ये स्फेरिकल होती है इन शेप, राइट। और इनकी स्फेरिकल शेप क्यों होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ऐसे ही लिखने हैं हमें एग्जाम्पल्स, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू पुट थ्रो सम रॉकेट साइंस हियर। देखो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, तुमने देखा होगा कि मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी भी स्फेरिकल ही शेप होती है, और वो स्फेरिकल भी शेप क्यों है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे लिखो कि हमारे पास में अगर मैं बात करती हूँ ना हॉट वाटर की और कोल्ड वाटर की, तो मेक अ गेस इन दोनों में से सरफेस टेंशन किसकी ज़्यादा होने वाली है। सरफेस टेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कोल्ड वाटर होता है ना उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, हॉट वाटर की कम होती है। और इसी ही चीज़ की वजह से यूजुअली तुमने देखा होगा घरों के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारे ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना, जो तुम गंदे करके आते हो खेल के, तुम्हारी मम्मी प्रेफर करेगी कि पानी गर्म करके उसके अंदर डाल दो, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, मैल निकल जाएगा अपने आप, यू नो दिस इज़ द कॉमन लैंग्वेज दैट द मदर्स दे यूज़। एंड द रीज़न इज़ दिस कि तुम्हारे पास में गर्म पानी की सरफेस टेंशन क्या होती है, वो कम होती है। तो इसकी वजह से डर्टी क्लोथ्स आर ईजियर टू क्लीन इन हॉट वाटर। यूजुअली जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं ना, उनको आई एडवाइस दिस थिंग कि ना ये काम हम लोग भी करते थे, कि जो हमारे पास में गीज़र का पानी होता था ना, हम लोग उसके अंदर अपने कपड़े धोने का काम करते थे ताकि वो जल्दी धुल जाए, इन ऑर्डर टू सेव टाइम। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो आखिरी होगा, ठीक है। बहुत फ्लूइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, इससे आगे हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि अब क्या होगी, फिर बोरियत भी होगी। एंड दिस इज़ ऑल जो कि एक जनरल सिलेबस कवर करता है व्हेन इट कम्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग देख लेना, अगर उसके बाद में भी तुम्हारे कोई टॉपिक्स बच जाते हैं सो प्लीज़ मेंशन दैट फ्रीली इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड दैट विल बी कवर्ड, ओके। चलो यहाँ तक कहीं रखते हैं आज की क्लास के लिए, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन।